गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस सुबह हो गई है और बस मैं आई हूँ नीचे और बस अब मेरी किचन में मैंने अभी चने बॉईल करने रखे हैं। देखिए बस मेरे चने बॉईल हो रहे हैं। फिर उसके बाद मैं अभी जो मैंने रात को डोसे के लिए दाल चावल भिगोए थे तो बस अब मैं वही दाल चावल पीसूँगी। देखिए ये मेरे सोक हो गए हैं। अब बस उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने क्योंकि लाइट आज कहते मैंने आपको बताया था ना बारिश का मौसम हो रहा था तो बारिश रात से पड़ रही है और लाइट का पता नहीं है कि फिर से चली जाए। तो बस अब हम अपने दाल चावल पीस के रख देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। अब बस यहाँ पर मैंने दाल चावल छान लिए थे और उसमें मिक्सी के जार में मैंने पीस लिए थे डालकर और जितना भी मुझे पानी चाहिए होगा मैं धीरे धीरे पानी डालूंगी। तो बस इतना पानी डालूंगी बस थोड़े थोड़ा कि बस मेरे पिस जाएं दाल चावल, एक अच्छा सा बैटर तैयार हो जाए। मेरे देखिए पिस गए हैं और मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा नमक ऐड किया है मैंने इसमें और इसको चलाकर बस मैं इसको परमानेंट होने के लिए रख दूंगी गर्म जगह पर। और ये इधर मेरे चने भी देखिए बॉयल हो गए थे। गाइस आज मैं बना रही हूँ छोले भटूरे नाश्ते में, तो उसके लिए मैंने मैदा ली है और मैदा में थोड़ा सा नमक डाला है और देखिए मैं अपनी मैदा को दही से मारती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर थोड़ा सा दही डालूँगी, देखिए इतना, और दही डालकर फिर मैं इसको पहले पूरा मैश कर लूँगी और उसके बाद में फिर मैं इसको मैं धीरे धीरे पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लूँगी। और हमें छोले भटूरों के लिए मैं टाइट डो लगाती हूँ, इतना टाइट भी नहीं जैसे हम रोटियों का लगाते हैं, बस उतना ही टाइट हमें भटूरों का डो लगाना होता है। और जैसे ही तैयार होगा इसको मैं ढककर फर्मेंट होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। अब बस फिर मैंने यहाँ पे चॉपर में टमाटर काट के चॉप करने रख दिए थे, अब बस मैं चॉप कर लूँगी इन टमाटर को। और अगर आपके पास ये चॉपर ना हो तो आप कद्दूकस से भी ग्रेट कर सकते हैं या टमाटो प्यूरी भी मिक्सी के जार में पीस कर बना सकते हैं आप। अब बस साथ ही में मैंने टमाटर के साथ गाइस हरी मिर्चें भी कट कर ली थी इसी में। और गाइस इसी के साथ मैंने इसमें हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी और मैंने कढ़ाई ली थी, कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा हींग जीरा अजवाइन डालकर सारे रूटीन के मसाले डालकर अपने चने छोंक दिए थे और मेरे छोले भटूरे रेडी थे। और गाइज आज बहुत अच्छा मौसम है और देखिए मैं कल आपसे जैसा कि बोल रही थी कि बादल हैं, बारिश कहते नहीं हो रही है, लेकिन रात को इतनी तेज़ बारिश हुई और इतनी अच्छी बारिश हुई है कि मौसम सुहाना हो गया। सो देखिए हमारे यहाँ मानसून आ चुका है, देखिए आप देख सकते हैं मौसम, देखिए गाइज ऊपर। सो चलिए आज अब मेरी शाम की चाय हो गई थी और चलिए आज मैं बनाने जा रही हूँ डिनर में डोसा और सांभर। तो चलिए उसकी रेसिपी देखते हैं कि कैसे बनाती हूँ मैं। और गाइस बस अब मैं नीचे आ गई थी किचन में और मैंने अरहर की दाल ली थी सांभर बनाने के लिए, जिसको शायद तुअर की दाल भी बोलते हैं। और बस इसको मैं धोकर कुकर में बॉयल होने डाल दूँगी और अरहर की दाल के साथ ही मैं कुछ वेजिटेबल्स भी चॉप करके ऐड कर दूँगी इसमें, जैसे कि लौकी, तुरई, काशीफल, आलू, टमाटर और प्याज वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैं कट करके एक साथ ही बॉईल करने रख दूँगी। ये देखिए मैंने एक तुरई ली है और उसको मैंने कट कर लिया और इतनी सी लौकी ली है जो नीचे स्लिप पर रखी हुई है और टमाटोज़ लिए थे मैंने तीन और दो आलू लिए थे मैंने। तो इन सारी चीज़ों को मैं चॉप करके दाल के साथ ही
डाल दूंगी। और इसमें मैं मसालों में डालूंगी बॉईल करते समय केवल हल्दी, थोड़ी सी मिर्च और नमक, और इमली का पल्प जो मैंने सुबह इमली भिगोई थी। तो बस ये कहते हैं मैं सारी चीज़ें सांभर को बॉईल करने के साथ में डाल दूंगी। और इसमें सांभर मसाला भी मैं इसी समय ऐड कर देती हूँ। और ये मैंने एवरेस्ट का सांभर मसाला ऐड कर दिया है इसमें। और इधर मेरा गाइस मलाई खट्टी हो गई थी तो मैं घी भी निकाल रही थी। और मैंने डोसो की स्टफिंग के लिए आलू भी साथ ही में बॉईल करने रख दिए थे। और देखिए मेरा बैटर कितनी अच्छे से परमानेंट हुआ है, देखिए बहुत अच्छे से परमानेंट हो गया है मेरा बैटर। और ये मैंने नारियल की चटनी बनाने के लिए नारियल, चने की दाल और हरी मिर्चें ली हैं गाइस। और इसमें मैं दही भी ऐड करूंगी, 3-4 चम्मच दही ऐड करूंगी देखिए। और फिर इसको थोड़ा सा पानी डालकर मैं इसको पीस लूंगी। और नमक भी ऐड करना है इसमें। और ये मेरी नारियल की चटनी पीसकर तैयार है गाइस। अगर आपको थोड़ी से मीठा पसंद है तो इसमें आप पीसी हुई चीनी या बूरा भी पीसते समय ही ऐड कर दें। मैंने 2 चम्मच चीनी इसमें ऐड की थी थोड़े मिठास के लिए, जिससे कि चटनी बहुत अच्छी लगती है मीठी मीठी, क्योंकि नारियल की चटनी मीठी ही होती है। और आप इसमें चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं, मैं स्किप करती हूँ अदरक डालना, मेरे को अदरक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। और साथ ही में मैंने बीच में चाय के बर्तन थे मेरे थोड़े से और जार मिक्सी के, तो मैंने वो भी वॉश करके हाथ के हाथ रख दिए थे, क्योंकि यार किचन और सिंक गंदी रहती है तो फिर मुझसे काम नहीं होता है। तो जितने भी बर्तन होते हैं मेरे धोने के मैं हैंड टू हैंड धोती जाती हूँ। और बस इधर मेरे बर्तन धुल गए थे तो मैंने अपने आलू भी बॉईल करके छील लिए थे। और बस मेरे आलू रेडी थे छिलकर। और मैंने स्टफिंग के लिए थोड़ी सी प्याज ग्रेट करी थी। और गाइस मैं आज सांभर में थोड़ी प्याज डालना भूल गई थी, तो मैं अभी उसमें प्याज का तड़का मार दूंगी। वैसे मैं बॉईल करने के साथ ही डाल देती हूँ प्याज, लेकिन आज मैं अलग से तड़का मारूंगी क्योंकि मैंने प्याज डालना भूल गई थी। अब इस स्टफिंग के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज ग्रेट कर ली थी और इसी में मैं हरी मिर्च और करी पत्ता भी साथ ही में भून लूँगी। और वही फिर से मैंने कुकर धो गया था मेरा आलू का, तो मैंने धोकर रख दिया था। और मैंने फिर कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला था, और तेल डालने के बाद मैंने उसमें गर्म होते ही राई डाली थी, और उसके बाद मैंने प्याज, हरी मिर्च और करी पत्ता साथ में ऐड कर दिया था। और थोड़ा सा नमक मैं डाल देती हूँ जिससे कि मेरी प्याज जल्दी से गुलाबी हो जाए, जल्दी फ्राई हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद बस मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। मसालों में मिर्च डालूँगी, थोड़ी सी गरम मसाला और हल्दी। हल्दी भी आज मैं थोड़ा सा एक्चुअली पहले डालना भूल बाद में डालना भूल गई थी सॉरी पहले तो मैंने बाद में ऐड की थी, तो वो उसमें मैंने खूब भून लिया था आलू को,
जिससे कि उसका कलर कच्ची नहीं रही थी हल्दी, वो पक गई थी। तो और आप इसमें चाहें तो गाइस इसमें आप साथ में पनीर भी ऐड कर सकते हैं या टमेटोज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर से भी डोसे की स्टफिंग में, जैसे बाहर वाले डोसे हम लोग खाते हैं तो फिर वो ऊपर से डालते हैं प्याज टमाटर, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इधर मेरे आलू की स्टफिंग रेडी थी और मेरे पास अभी हरा धनिया नहीं था, तो आप हरा धनिया से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, इसमें डाल सकते हैं। और इधर मेरी देखिए सांभर भी मैंने खोलकर चेक करी थी, मेरी सांभर भी परफेक्ट रेडी हो गई थी। मैंने इसको बस थोड़ा सा मैश ही कर दिया था सब्जियों को, मेरी सांभर भी रेडी थी। अब मैं सांभर में तड़के की तैयारी कर लूँगी। और इसी कढ़ाई में मैंने दोस्तों बस धोकर इसको अच्छी तरीके से, और फिर इसमें मैंने सांभर के भी तड़के की तैयारी कर दी थी। उसके लिए भी मैंने ऑयल लिया था, ऑयल में राई डाली थी और राई के बाद में मैंने प्याज भून ली थी, और प्याज भूनने के बाद फिर मैंने इसको बस थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च और एक साबुत लाल मिर्च डालकर तड़का मार दिया था मैंने। अब बस अब ये मसाला मैंने सांभर में डाल दिया था अपनी, और मेरी सांभर रेडी थी। और गाइस मैंने अब चटनी के लिए भी हल्का सा ऑयल लिया है 2 चम्मच, और उसमें राई और करी पत्ता डाल के ये मैं चटनी में तड़का मार दूंगी। मेरी चटनी भी रेडी है। और बस इधर ही मैंने अपनी गैस स्टोव साफ़ कर ली थी, बहुत गंदी हो जाती है क्योंकि राई वगैरह से। और बस देखिए मैंने तवा रख दिया था डोसा बनने के लिए, और मैं इसको पहले खूब अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी। बस थोड़ा सा ही नमक ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने सुबह भी नमक डाला था। और हल्का सा पानी डालूँगी मैं, जिससे कि मेरे को जैसे भी कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी। तो बस मैंने अपना तैयार कर लिया बैटर, और अब देखिए मैंने इसको पानी डाल के अच्छे से पोंछ लिया है तवे को। और ये मेरा नॉन स्टिक तवा है गाइस, आप वैसे लोहे के तवे में बना सकते हैं, क्योंकि पहले मेरे पास लोहे का तवा था, मैं उसी से बनाती थी। और ऐसे धीरे धीरे करके आप इसको डोसे को हम अपने फैला लेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पे पहले हमें सेकना है, और मीडियम फ्लेम पे जब ये सेक जाएगा तो उसके बाद हमें हाई फ्लेम कर देनी है, और इतनी हाई भी नहीं, थोड़ी सी हाई से थोड़ा सा कम। और उसके बाद फिर हमें इसको घी लगाकर, ऐसे मैं ब्रश की हेल्प से घी लगाती हूँ, और आप तेल भी लगा सकते हैं, मैंने घी में सेका था, और फिर बीच में स्टफिंग डाल के बहुत टेस्टी क्रिस्पी डोसे हमारे रेडी हैं। गाइस इधर मैंने अपने बेटे के लिए, वो सादा डोसा खाता है, वो स्टफिंग वाला नहीं खाता, तो मैंने उसके लिए सिंपल वाला डोसा रेडी कर लिया था। सिंपल वाले भी सेम ऐसे ही होंगे, बस आप उसको फोल्ड कर लीजिएगा और आपका डोसा रेडी है। सो एवरीवन, मेरा डिनर हो गया था, और डिनर में बहुत ही यम्मी डोसा और सांभर बने थे। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। और बस कल से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं, तो सुबह से काफ़ी बिजी रूटीन रहेगा, और सभी जगह स्कूल खुल जाएंगे आई थिंक। मेरे बच्चों के तो कल से खुल रहे हैं, और बस कहते हैं चलिए कल मिलते हैं, कल का क्या रूटीन रहेगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। और टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।